सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कनौज में सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक मांगलिक कार्य की रस्म अदायगी में ठठिया से तालग्राम जा रहे एक ही परिवार की कार इंद्रगढ़ के पास निचली गंग नहर में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 3 लोगों को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक का अभी पता नहीं चल पाया है और उसकी तलाश जारी है। बता दें कि कनौज जिले के इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के मिरवन मढ़ा गांव निवासी गौरव पुत्र योगेंद्र भदौरिया अपनी कार में परिजनों के साथ सवार होकर तालग्राम थाना क्षेत्र के बरही गांव में अपने रिश्तेदारी में एक समारोह में शामिल होने जा रहा था। कार में गौरव के साथ कुल 9 लोग सवार थे। इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र के चतुरु आहारपुर गाँव के समीप पहुँचते ही उनका संतुलन खो गया और कार निचली गंग नहर में जा गिरी, जिससे अफरा तफरी मच गई। कार में सवार पप्पी सुभी कृष्णा लाडो मोहिनी मौके पर ही मौत हो गई। हर्ष का भी पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में कार सवार 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 को नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी 5 के 5 शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक बच्चे का भी पता नहीं चल सका है और उसकी तलाश जारी है। मरने वालों में 2 महिलाएं 3 बच्चे शामिल हैं। कनौज से हरिओम शर्मा की रिपोर्ट। सर, किस तरह की घटना है ये, कितनी कैजुअल्टी बताई जा रही है? आज सुबह गौरव भदौरिया जो पुलिस में सिपाही है अपने परिवार के साथ जा रहे थे, नहर के किनारे की पटरी से जा रहे थे और उनके द्वारा बताया गया कि एक अचानक कोई मोटरसाइकिल आ गई और उसको बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और गाड़ी नहर के अंदर चली गई, जिसमें 2 महिलाएं और 3 बच्चों की मृत्यु हो गई। एक बच्चा अभी लापता है, बताया जा रहा है 5-6 महीने का है। गोताखोर उनको ढूंढ रहे हैं और ये बहुत ही दुखद और एक दर्दनाक घटना है। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी जो छोटा बच्चा वो मिले। सर, ग्रामीणों का क्या? इसमें जो गौरव गाड़ी चला रहे थे वो भी घायल हैं, उनकी बहन घायल है, उनकी माँ भी थी और एक बच्ची। ये 4 लोग तिरवा मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी हैं और वहाँ भी हम लोग देख के आए हैं कि हालत सामने होता है। तो क्या घटना हो गई? घटना ये, भैया कहीं पार्टी से लौट रहे थे, जा रहे ये सुबह 8:30 बजे, हाँ जा रहे हों या आ रहे हों 8:30 बजे की घटना है ये। और जैसे ही ये गाड़ी नहर में गई है, अब इसका टायर पंचर हुआ है, कैसे गई है बता रहे हैं, बाइक को बचाने के चक्कर में गई है। तो जैसे ही ये लोग गाड़ी इनकी नहर में गई है, एक लड़का था मेरे गांव का दीपक नाम से, वो लड़का ने जैसे ही गांव में बताया तो हम लोग भागे और गांव से आए तत्काल। हम यानी गांव के 10-20 लोग जो भी लड़के मेरे थे साथ के, वो सब लोग नहर में कूदे और पूरी बचाने की कोशिश की। उसमें से 3 लोग जिंदा, तो सभी को निकाला है, लेकिन जो मृत्यु हुई है वो बाहरी हुई है। लगभग टोटल 9 लोग थे। एक बच्चे की डेड बॉडी नहीं मिली, वो पानी के अंदर है, कहाँ पे है ये कोई कंफर्म नहीं है। 6 की डेथ हो गई, 6 की डेथ हो गई है। और पहले मैं 108 नंबर, एक बच्चा नहीं मिला। हाँ हाँ, तो 108 नंबर पहले सर्वप्रथम हम यहाँ से डायल किया है। हमारे यहाँ जो भी मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, जो भी छोटे भाई, उन लोगों ने डायल किया। हम लोग नहर पानी में चले गए थे, तो ना 108 नंबर उठी, ना 112 नंबर कॉल किया, उस पर बेटिंग गया। फिर उसके बाद फिर कॉल किया तो उठा नहीं, उसके बाद फिर कॉल किया तो कब्रिज एरिया बाहर बता रहा था शायद, जो लड़के बता रहे हैं जिन्होंने बाहर किया। और उसके बाद फिर नंबर डायल करते रहे, कॉल नहीं उठी। लगभग 1 घंटे बाद 108 नंबर प्लस पुलिस जो भी है 1 घंटे बाद यहाँ पहुँची है। अगर ये तत्काल समय पर आ जाते तो गारंटी है कि वो 2 से 3 बच्चों की कम से कम उसमें जान बचाई जा सकती थी। मेरा नाम असलम खान है। क्या घटना हो गई? घटना ये हुई कि ये गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी, इसमें करीब 9 लोग इसमें सवार थे और ये किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे नहर के रास्ते से। तो इन्होंने ये गाड़ी को बाइक से ओवरटेक किया, ओवरटेक करने में गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित होने की वजह से ही गाड़ी नहर में जाके गिरी जा गई और इसमें 9 लोग सवार थे, एक ही फैमिली के थे। और यहाँ के जो लड़के चटवापुर गाँव पड़ता है, चटवापुर गाँव के लड़कों ने काफ़ी मशक्क़त करके इस गाड़ी को बाहर नहर से खींचा
क्योंकि ये गाड़ी बीच नहर में गिरी जा के थी और इसमें से उन लोगों ने 9 लोगों को बाहर निकाला, उसमें से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग ठीक ठाक हैं, वो मेडिकल समय से पहुंच गए और पुलिस करीब 1.5 घंटे बाद आई घटनास्थल पर और कोई साधन ना होने के कारण इन 5 लोगों की मौत हो गई। अगर इन्हें समय से मेडिकल कॉलेज भेज दिया जाता तो शायद इनमें से इतनी मौतें ना होती 5 से, और अभी एक बच्चा इसमें गायब है नहर में और उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी।